तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुक चोरी। आज का बुक चोरी हम करने वाले हैं एक टॉपिक जो है आयरलैंड वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के मैच। ये आईसीसी से वनडे क्वालिफायर है, तो आप देख सकते हैं आयरलैंड वुमेन का स्क्वाड जिस जो है इसका मांगा ई रिचर्डसन, मैरी वाल्टन, जोबिलियस, एल पॉल, सी क्रैक, एल लिटिल, एल लॉरा डेनली, क्या नाम है, एस मैकमोहन, आर स्टॉकेल, कोड़ा मुरे, उर्ला पेंडरगस्ट, भोसरे के नाम पढ़ने में दिक्कत होता है, जी डिम्सी, जे मैग्यूरी, एमी हंटर। ये है आपका आयरलैंड वुमेन का स्क्वाड। अब आते हैं विंडीज वुमेन के स्क्वाड पे, तो आप देखिए ये रही विंडीज वुमेन की। विंडीज वुमेन की तरफ से है सोफिया टेलर, इनके सबसे स्ट्रॉन्ग बैट्समैन में से हो गई सोफिया टेलर, हेली मैथ्यूज। तो आइए के नाइट, एस कैंपेबेल, डी कॉटिन, ए मोहम्मद, काइका नाइट, सी नेशन, एस सिलमान, सी हेनरी, एस कोनेल। आप देख लीजिएगा ये पन्ने का देख ली आप तो देख ही लीजिएगा स्क्वाड। तो अब मेन बात पे आते हैं जो आज का कौन से पिच पे आज मैच होने वाला है और पिच किसको हेल्प करती है। तो ये पिच ये मैच हरारे में होने वाला है, हरारे में, और पिच का नाम, स्टेडियम का नाम है ओल्ड हरारियंस स्पोर्ट्स क्लब। वही पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प करती है पिच प्रेशर के मुकाबले। यहाँ पे पहला मैच भी खेला गया था जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का था, उसमें आपने देखा ही होगा 7-14 विकेट गिरे, उसमें से 10 या 12 विकेट उसमें से स्पिनर ने लिया था। तो देखिए तो चलिए अब बात करते हैं आयरलैंड वुमेन के पॉसिबल 11। तो ली पॉल, जिलियस दोनों ओपनिंग करेंगे, एमी हंटर और ओ प्रेंडरगस्ट और लॉरा डेनली, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है ऊपर, इनका बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं रहता है। एस कवांगा, एम वाल्ड्रन, सी मुर्रे, एस मैकमोहन, जे मैग्यूरी, सी क्रैक, ये रहा इनका पॉसिबल 11 हो सकता है मेरे अंदाज से। अब ये तो आगे टीम के ये सिलेक्टर पे है, वो अब किसे भेजेंगे, किसे खिलाएंगे, बैटिंग ऑर्डर इनका कोई भी कंफर्म नहीं रहता। लेटेस्ट मैच का जल्दी होता ही नहीं है, ये सस्पेंसिव मैच रहता है इसमें, इसलिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करिएगा। लेकिन चलिए तो आगे बात करते हैं, अब हटाइए उसे, अब बात करते हैं इनके हम रिसेंट परफॉर्मेंस पे जो हाल ही में ये खेल के आ रहा है मैच, पिछले 5 मैच का, कि इससे पता चले कौन किस प्लेयर को हमारे ड्रीम 11 टीम में लेना चाहिए और किस प्लेयर को नहीं लेना चाहिए। तो आगे बात करते हैं तो चलिए रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ली पॉल की। ली पॉल का रिसेंट परफॉर्मेंस आप देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 37 रन और 2 विकेट लिया था और ये ओपनिंग बैटिंग करने आते हैं। और देखिए जिम्बाब्वे वुमेन के टॉर पे गए थे, ये सारे मैच इसी साल के ही हैं, हाल फिलहाल में ही खेले गए हैं। 12 रन, 1 विकेट, 63, 2 विकेट, 95, 1 विकेट, 13। तो आप कह सकते हैं ये एक अच्छी फॉर्म में है और ये आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस हो सकती है। दूसरे नंबर पे आती है जी लियूस। तो जी लियूस में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 36 रन मारा था, और वही जिम्बाब्वे के टॉर पर देखिए इन्होंने लास्ट के 3 मैच आप देखिए इन्होंने हाफ सेंचुरी मारा, एक में तो सेंचुरी के आसपास मात्र 4 रन से दूर हो गए थे। इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही खतरनाक है, ये भी आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के सिलेक्शन के लिए अच्छी कैप्टन हो सकती है। तो अब बात करते हैं एमी हंटर की। 42 रन इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मारा था और जिम्बाब्वे के खिलाफ उतना खास तो नहीं था, पर लास्ट मैच में उन्होंने एक शानदार पारी नोट आउट की खेल दी थी। तो बात करते हैं लॉरा डेनली जो इस टीम की कैप्टन है, तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1 ही रन मारा था
लेकिन जिम्बाब्वे के तौर पे आप देख सकते हैं हर मैच में पॉइंट दे रही थी, बैटिंग हो या बॉलिंग। 68 रन प्लस 2 विकेट, 1 विकेट 35, 88 प्लस 1 विकेट, तो आप कह सकते हैं ये ऑलराउंडर के लिए उतनी बुरी चॉइस नहीं है। पर ये देखिएगा, ये लगभग मोस्ट ऑफ द टीम में ये कैप्टन होगी। अब बात करते हैं हम ओरा प्रेंडरगास्ट, तो अब आते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 18 रन मारे थे और जिम्बाब्वे टॉर पे इन्होंने उतना खास परफॉर्मेंस नहीं था, क्योंकि ये बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत डाउन है और इनको जल्दी बैटिंग मिलती नहीं है। अब आते हैं एस कवांगे के ऊपर, इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ ही इन्होंने 0 रन मारा, विकेट भी नहीं लिया। जिम्बाब्वे के लास्ट 2 मैच में इन्होंने कुछ अच्छा खेला था। अच्छा, चलिए बात करते हैं इनके विकेट कीपर बैट्समैन एम वाल्डरन की। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 20 रन मारा था और जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 रन। इनका भी ये रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है रिसेंट में, क्योंकि इनको बैटिंग जल्दी मिलती ही नहीं, इनके टॉप ऑर्डर ही मैच को ख़त्म कर देते हैं। तो हम आते हैं सी मुरे पर। सी मुरे इस टीम की मेन बॉलर हो सकती है, जैसे आप देख ही सकते हैं हर मैच में विकेट है। पाकिस्तान के खिलाफ देखिए 1 विकेट, जिम्बाब्वे के खिलाफ देखिए 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, मतलब हर मैच में विकेट, कंसिस्टेंसी से विकेट ले रही है। इनका कंसिस्टेंसी बहुत ही अभी अच्छा से चल रहा है विकेट लेने में, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं एस मैकमोहन, ये 2 विकेट, 1 विकेट, 29 रन। जिम्बाब्वे टॉर पर उन्होंने हर मैच में विकेट लिया है, शायद पाकिस्तान टॉर पर ये थी नहीं शायद, इसलिए इनको विकेट लेने नहीं मिला। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आपके इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट चॉइस कौन हो सकते हैं, तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग के लिए आपके बेस्ट चॉइस हो सकते हैं ली पॉल, जी ल्यूस, लॉरा डेनली, और यहाँ पर आप ओल्ड प्रेटस्ट को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी प्लेयर है, बस इनका रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में यही है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा जीत। तो चलिए अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज की पॉसिबल 11 पे। आप ये देख सकते हैं जेब मैग्यूरी, इन्होंने जिम्बाब्वे के टर पे हर मैच में एक एक विकेट लिया था, तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। और सी क्रैक, 19 रन पाकिस्तान वुमन के खिलाफ मारा था और 1 विकेट, 3 विकेट, 1 रन, 2 विकेट, सॉरी, इनका भी रिकॉर्ड रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है, इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा वो तो मैं आपको बाद में बतला दूंगा। अगर आपको टीम चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर देना, मैं टेलीग्राम का लिंक अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप आराम से पैसे जीत सकते हो। चैनल है, मैं उसमें पर्सनल अपना ये दूंगा, आप मुझसे पर्सनली चैट कर सकते हैं। तो चलिए आप ये आगे बढ़ते हैं वेस्ट इंडीज वुमेन की पॉसिबल 11 पर। वीडियो थोड़ा हिल रहा है, इसके लिए सॉरी, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मैच से आपको ये दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वेस्ट इंडीज वुमेन की पॉसिबल 11। ये है आपकी वेस्ट इंडीज वुमेन की पॉसिबल 11। ये हो सकती है अगर कुछ चेंज हुआ तो मैं उसके बारे में आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा, या इसी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। टीम भी मैं शॉर्ट बना के ही डाल दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं अपना चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप टीम ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं इनका, डी कॉटिन, आर विलियमसन, एस कैंपेबेले, एस टेलर, हैंड
एच मैथ्यूज, सी नेसन, सी हेनरी, एस ग्रीमोंड, ए एलियनी, क्यू जेसप, एस सेलमान, ये हो सकती है इनकी प्लेइंग इनेबल। अब हो सकते हैं यहाँ पे एस कोनल भी आ जाए क्यू जोसफ के जगह पे, किसी के जगह पे तो आएगी, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर मेरे हिसाब से यही प्लेइंग इलेवन होनी चाहिए वेस्ट इंडीज की वुमेन की आज के मैच में, क्योंकि हाल ही के मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई चेंज कर सकती है। तो अब देखिए जो होता है आगे, पहले अब हम चलते हैं इनके रिसेंट परफॉर्मेंस पे, कौन कैसा खेल रहा है अभी इस वक्त, कौन कैसे फॉर्म में है, किसको हमें ले लेना चाहिए, किन्हें नहीं ले लेना चाहिए, अब हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए आगे रिसेंट परफॉर्मेंस की ओर, तो चलिए शुरू करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस पे। डी कोटिन देख सकते हैं पिछले मैच में इन्होंने थाईलैंड के खिलाफ 100 रन मारे थे 101 रन, और पाकिस्तान ओमन के खिलाफ भी 132 रन की पारी खेली थी, तो इनका ये परफॉर्मेंस अच्छा है। आर विलियमसन 13 रन मारे थे थाईलैंड के खिलाफ, 6, 14, 15, 78 पाकिस्तान ओमन के खिलाफ, तो ये भी एवरेज फॉर्म में है, उतना भी खास नहीं है, फिर भी चाहे तो आप ले सकते हैं। आर कैम्पेबेले एस कैम्पेबेले 8 थाईलैंड ओमन, 1, 23 पाकिस्तान ओमन के खिलाफ, इनका भी फॉर्म अभी उतना अच्छा चल नहीं रहा है। अब आते हैं सोफिया टेलर, ये 8 रन 1 विकेट थाईलैंड ओमन के खिलाफ, 102 रन प्लस 1 विकेट, 23 रन 6 रन 18 रन, ये कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट दे के ही जाती हैं, तो आप इन्हें ज़रूर लेना अपने टीम में। ये आपको लगभग सारे अप्रॉक्स 99% लोगों की टीम में ये होगी, और बहुत की टीम में तो ये कैप्टन भी होगी। अब आते हैं हेली मैथ्यूज, 57 रन प्लस 1 विकेट थाईलैंड ओमन, 26 प्लस 4 विकेट, 57 प्लस 3 विकेट 48, इनको आप लेने, ये सबसे सेफ कैप्टन है आज के मैच में, ये बैटिंग से नहीं तो विकेट से कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट दे ही सकती है, तो आप इन्हें कैप्टन जरूर बनाएं। और आगे बात करते हैं सी नेशन, 12 रन थाईलैंड के खिलाफ मारा था, 51 रन 11 रन 1 रन 15 रन पाकिस्तान ओमन के खिलाफ, तो कह नहीं सकते उतना खास, बस एवरेज परफॉर्मेंस है, हर टॉर पे एक ही मैच में अभी चल रही है इनका रिसेंट परफॉर्मेंस, उतना अच्छा नहीं है, पर ये प्लेयर बहुत ही अच्छी है। चलिए आगे बात करते हैं सी हेनरी का, आप देख सकते हैं उनका अभी पूरी तरह से फ्लॉप है, बस थाईलैंड के खिलाफ 1 विकेट मिल चुका था, पाकिस्तान ओमन के खिलाफ आप देख सकते हैं इन्हें 1 भी विकेट नहीं मिला, तो आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं स्मॉल लीग में, आप ग्रैंड लीग में इन्हें ट्राई कर लेना, क्योंकि ग्रैंड लीग में आपको रिस्क ही लेना रहता है। ये बॉलर अच्छी है पर अभी इनका फॉर्म नहीं चल रहा है, जैसे हमारे इंडियन टीम में भुवनेश्वर कुमार। चलिए आगे बात करते हैं, तो देखते रहिएगा आगे, हम बात करते हैं इनके और प्लेयर, ये रहा इनका बाकी के प्लेयरों का रिसेंट परफॉर्मेंस। एस ग्रीमोंड थाईलैंड के खिलाफ इन्हें 1 भी विकेट नहीं मिला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 4 विकेट लिया, और वहाँ पे 40 रन 2 विकेट इन्होंने पाकिस्तान ए ओमन के खिलाफ मारा था, ये पहले की मैच की है। क्यू जेसफ थाईलैंड के खिलाफ 1 विकेट, पाकिस्तान के खिलाफ 3 रन 1 विकेट, साउथ अफ्रीका ओमन के खिलाफ 8 रन 2 विकेट। एट सेलमान 2 विकेट थाईलैंड के खिलाफ, ये आपकी ट्रम्प प्लेयर हो सकती है, आप इन्हें कैप्टन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं ग्रैंड लीग में, आप चाहें तो स्मॉल लीग में इन्हें वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, बॉलिंग में सेफ होगी। ए एलिनी 9 रन 2 विकेट थाईलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान ओमन के खिलाफ 2 विकेट, 8 रन प्लस 1 विकेट, 5 रन 2 विकेट साउथ अफ्रीका ओमन के खिलाफ, तो इनका भी परफॉर्मेंस उतना ख़राब नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये कर रही है। तो चलिए ये हो गई हमारी आयरलैंड और वेस्ट इंडीज की वुमन की प्लेयर पॉसिबल 11 और उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस। तो अब चलिए हम बात करते हैं
इनके बीच में खेले गए हाल फिलहाल में तो कोई मैच इन्हें नहीं हुआ, मैच हुआ था 2019 में ही, तो उनके स्कोर कार्ड हम देख लेते हैं, वो भी T20 मैच हुआ था। T20 से आप गेस कर सकते हैं कौन से प्लेयर कैसे फॉर्म में है। तो चलिए हम बात करते हैं इनके हेड टू हेड रिसेंट मैचेस। ये रहा फर्स्ट मैच जो 26 मई 2019 को खेला गया था, ये फर्स्ट T20 मैच था दोनों के बीच में, जिसमें वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग किया था। तो वेस्ट इंडीज की वुमन की तरफ से पहले सोफिया टेलर खेलते हुए 75 रन, इस कैंप में 20 रन, और भी कुछ प्लेयर थे जो अभी स्क्वाड में नहीं है तो मैंने उनके बारे में लिखा नहीं है। और सी हेनरी, उन्होंने 2 विकेट लिया था। और आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड की तरफ से देख सकते हैं सी क्रैक, ये 9 रन और 1 विकेट मारी थी। और एस मैकमोहन 1 विकेट, एम वाल्डरन 6 विकेट। देख सकते हैं आप वेस्ट इंडीज की ओमन बहुत ही भारी पड़ती है आयरलैंड की ओमन पे, बट ये पहले की बात थी 2019 की। रिसेंट में आयरलैंड की ओमन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। चलिए हम बात करते हैं दूसरे T20 मैच की जो खेला गया था 29 मई 2019 को। तो ये रहा, इसमें भी वेस्ट इंडीज की वुमन ने पहले बैटिंग किया था तो 20 ओवर में 188 रन 1 विकेट के नुकसान पे मारा। देखिए हेली मैथ्यूज 107 रन, सी नेशन 63 रन, सोफिया टेलर बैटिंग से नहीं कर पाए कुछ तो बॉलिंग से 2 विकेट आपको दे गई, एम वाल्डरन 55 रन, जी लुइस 8 रन, एस मैकमोहन 1 विकेट। देख सकते हैं एस मैकमोहन आपको ऊपर भी थी, एस मैकमोहन यहाँ भी थी, तो एस मैकमोहन आपके लिए ट्रम्प प्लेयर इम्पोर्टेंट हो जाती है। एम वाल्डरन को आप चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो आयरलैंड वुमन की टीम है इनकी बैटिंग ऑर्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, मुझे नहीं लगता इनकी ये बैटिंग आ पाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं, यही सारे कुछ थे तो आप देख सकते हैं अगर आपको वेस्ट इंडीज की तरफ से ग्रैंडली के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन चाहिए तो आप सोफिया टेलर को, हेली मैथ्यूज को ले सकते हैं, आप एस सेलमन को आप ट्राई कर सकते हैं, अगर एस को कोनल खेले या तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे। आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पर रिस्क, आपको ग्रैंड लीग में सिर्फ 3 से 4 प्लेयर पे रिस्क लेना है, वो भी एक ही टीम में चारों पे मत ले लेना, चेंज कर के लेते रहना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे किसी में सोफिया टेलर को ड्रॉप कर दिया तो किसी में हेली मैथ्यूज को, ऐसे मत करना कि दोनों एक ही टीम में दोनों को सोफिया टेलर और हेली मैथ्यूज को ड्रॉप कर देना, तो वो तो बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा, तो वो बहुत ही डेंजर हो सकता है आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद है तो चलिए अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन चैनल तो नहीं है पर आप चैनल अभी मैंने बनाया नहीं, आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको टीम मिल जाएगी, और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं ये शॉर्ट्स बना के भी टीम डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। थैंक यू, चलिए आज के बकचोदी यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर पसंद आए वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आज के मैच देखते हैं क्या होता है।